हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान करीम ने इस किस्से को अहसनुल कसस कहा है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत यानी सूरा यूसुफ नाजिल फरमाई। इस किस्से में दो अजीम नबियों का तस्किरा है, सैयदिना याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम का। अपने भाइयों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम किन हालात का शिकार हुए, आप इसका तफसील से जिक्र सुनेंगे। सूरह यूसुफ मक्की है और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अगरचे इब्तिलाओ आजमाइश की दास्तान है, लेकिन इसमें और भी बहुत से फवायद हैं। सुनने वाला इससे लुत्फंदोज होता है, अपने अंदर रहम और उन्स के जज्बात महसूस करता है। इस किस्से में उन हालात की तरफ भी इशारा है जो अंबिया के साथ पेश आते हैं। आम अंबिया के हालात वाकयात से मालूम होता है कि पहले वो आसूदा हाल थे, लेकिन जब उन्होंने दावत दी तो उनकी कौम ने उन्हें झुठलाया। फिर आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनकी कौमों पर अजाब आया। इस किस्से में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें शुरू में इब्तिला आजमाइश का दौर है, फिर आसानी और फरावानी की दास्तान है। ऐसा क्यों हुआ? उलमा के इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गमजदा परेशान हाल अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को सुनता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, वो मुतमईन हो जाता है, इसलिए कि इसमें तंगी के बाद आसानी है, मुश्किलात के बाद अल्लाह की नेमतों का नुजूल इससे जाहिर है। सूरह यूसुफ सूरह हूद के बाद नाजिल हुई। सूरह हूद में अंबियाए किराम के तस्करे के बाद कौम हूद और कौम सालेह की तबाही का जिक्र आता है, फिर उन अक्वाम का तस्किरा है जो तबाह बर्बाद हुई। फिर सूरह यूसुफ आमुल हुज्न में नाजिल हुई। ये वो साल था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब फौत हुए। अबू तालिब हर तरह आपका साथ देते रहे थे, यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरैश ने मुझसे सही मानों में दुश्मनी का आगाज अबू तालिब की वफात के बाद किया। एक कौल के मुताबिक अबू तालिब की वफात के सिर्फ तीन दिन बाद आपकी प्यारी और महबूब बीवी जन्नत की औरतों की सरदार दुनिया जहान की अफजल तरीन औरतों में से एक सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तक के इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार खत खींचे, फिर सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया, जानते हो ये खत मैंने क्यों खींचे हैं? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की अफजल तरीन औरतें चार हैं, एक मरियम बिनते इमरान, दूसरी खदीजा बिनते खुवैलत, तीसरी फातिमा बिनते मोहम्मद और चौथी फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम रजी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाईन। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब की वफात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद सदमा हुआ। तब आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई और आपको यकीन दिलाया कि तंगी के बाद फराखी होती है, और इस सूरत में सबक आमोज वाकयात और इबरतों का तस्किरा यकजा कर दिया गया है। जबकि दूसरे अंबिया के किस्से कुरान और अहादीस में मुख्तलिफ मकामात पर हैं। ये किस्सा कुरान करीम में एक जगह क्यों जिक्र किया गया, इसमें क्या हिकमत थी और बाकी किस्से मुख्तलिफ मकामात पर क्यों बिखरे हुए हैं, इस बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से तकरार के साथ जिक्र किए हैं। एक ही बात को बलागत और बयान के उसूल के तहत मुख्तलिफ पैराए में जिक्र किया है, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। जब अल्लाह के बरगुजीदा फरिश्ते उनके पास आए तो उनके आने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मेहमान नवाजी की उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। एक जगह फरमाया, वो बगैर किसी ताखीर के भुना हुआ बछड़ा ले आए। दूसरी आयत में फरमाया, बस इब्राहिम फरबा बछड़े का गोश्त ले आए। इन दोनों जुमलों को जमा करने से मालूम हुआ, भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा पेश किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर उनका तस्किरा इसलिए किया गया कि लोग इससे इबरत पकड़ें। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एक जगह और बाकी अंबिया के किस्सों को अलहदा बयान करने की एक हिकमत ये भी है कि मुखालिफ पर हुज्जत कायम हो जाए कि वो ना मुकर्रर कलाम ला सकते हैं और ना ही किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इकट्ठा कलाम ला सकते हैं। मतलब ये कि बलागत की हर किस्म में दुश्मन पर हुज्जत कायम हो सके। अल्लाह ताला कलाम को मुकर्रर और गैर मुकर्रर लाकर कुरान का एजाज बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह चाहे तो एक किस्से को एक ही जगह बयान कर दें, चाहे तो मुख्तलिफ जगहों पर बयान कर दें। कोई ये न कह सके कि देखो कुरान में ये किस्सा अलहदा अलहदा बयान हुआ है, मैं इसको एक जगह बयान कर सकता हूँ, या इसके बरक्स ये न कह सके कि कुरान में तो ये किस्सा एक ही जगह बयान हुआ है, मैं इसको अलग अलग करके बयान कर सकता हूँ। अब हम इस किस्से का आगाज करते हैं और इसी तरह करते हैं जिस तरह इसका आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस किताब को अरबी कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस कुरान से जो हमने आपकी जानिब वही के जरिए नाजिल किया है, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। किस्सा दर असल एक खबर के बाद दूसरी खबर और इत्तिला दर इत्तिला को कहते हैं, और किसस का असल किस्सा है यानी पीछे चलना, जैसा कि अल्लाह की किताब में है। मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा कि तू उसके पीछे पीछे जा, और किसस की असल यही है कि किसी खबर का पै दर पै आना। इसलिए इरशादी बारी ताला है, हम आप पर बेहतरीन किस्से बयान करते हैं, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। गफलत से मुराद यहाँ अल्लाह के जिक्र से गफलत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि नुजूल कुरान से पहले आप इन किसस से वाकिफ नहीं थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 4 और 5 में फरमाते हैं, जब यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जी मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं, याकूब ने कहा प्यारे बच्चे अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे, शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। रुया से मुराद वो ख्वाब है जिसको इंसान नींद की हालत में देखे, और रुयत से मुराद वो हकीकत है जिसको इंसान हालत बेदारी में अपनी आंखों से देखे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब की हकीकत को जान गए, अगरचे आप ख्वाबों की ताबीर नहीं बताते थे, लेकिन उन्हें इल्म हो गया कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकरीम है, और उन्हें यह भी इल्म था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं। इसीलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने भाइयों को ये ख्वाब न सुनाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, बिन्यामीन उनके सगे भाई थे, बाकी 6 एक मां से और 4 दो लौंडियों से थे। हकीकी भाई उनसे हसद नहीं करता था, वो उम्र में उनसे छोटा था, बाकी सब उनसे हसद करते थे, और इस हसद की वजह ये थी कि याकूब अलैहिस्सलाम उनसे वालिहाना मोहब्बत करते थे। इसी तरह बिन्यामीन से भी उन्हें बहुत लगाव था, मतलब ये कि इन दोनों से उन्हें ज्यादा मोहब्बत थी, और मोहब्बत में कमी बेशी कोई बुरी चीज नहीं। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अदल से जरूर काम लें। गरज याकूब अलैहिस्सलाम को उन दोनों से ज्यादा मोहब्बत थी, उनका दिल उनकी तरफ ज्यादा मायल था, यहाँ तक कि लम्हा भर भी उन्हें नजरों से ओझल नहीं करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब खेल के लिए निकलते तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते यूसुफ को यहीं छोड़ दो, गोया हर वक्त उनका पहरा देते थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 6 में फरमाते हैं, और इसी तरह तुझे तेरा परवरदिगार बरगुजीदा करेगा, और तुझे मामला फाहमी यानी ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा, और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा, और याकूब के घर वालों को भी, जैसे कि उसने इससे पहले तेरे दादा और परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर अपनी नेमत दी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी आपको मुंतखब कर लिया और तमाम भाइयों से आपको चुन लिया, और याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटों से आपका इंतखाब किया, और उस दौर के लोगों में से आपको नबुव्वत देने का इरादा किया।
मजीद ये कि वो लोगों को ख्वाबों की ताबीर भी बताते थे और आयत में जिस नेमत का जिक्र है इससे मुराद नबुव्वत की नेमत है और ये किस्सा अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए जिक्र किया है। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 7 और 8 में फरमाते हैं, यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों में दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बनिस्बत हमारे बाप को बहुत ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम ताकतवर जमात हैं, कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सरी गलती में हैं। कहा जाता है कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के मुतालिक सवाल किया तो ये मुकम्मल सूरत उन्हें किस्सा सुनाने के लिए नाजिल हुई, जबकि बनी इसराइल को ये मुकम्मल किस्सा मालूम न था और जो मालूम था वो भी तहरीफ शुदा था। कुरान उनकी इस तहरीफ को वाजह करने के लिए भी नाजिल हुआ और जो भी बनी इसराइल का शख्स या कोई और इसके मुतालिक पूछेगा उसके लिए इबरतें और नसीहतें हैं। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है जबकि हम एक जमात हैं। अपने बाप के इस अमल पर एतराज किया और यकीनन ये एक बहुत बुरा गुमान था। जलाल का माना गुमराही होता है लेकिन कभी खता पर भी बोला जाता है और उन्होंने बाहमी मशवरा किया और सोच विचार के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की तजवीज तय हुई। अल्लाह ताला आयत 9 में फरमाते हैं, यूसुफ को तो मार ही डालो या इसे किसी नामालूम जगह फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना। मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर दो। इस पर बड़े भाई यहूदा ने मुदाखलत की और कहा कत्ल बहुत संगीन जुर्म है। इस पर वो बोले तब फिर इसे कहीं गायब कर दो ताकि बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए और यूसुफ वाली रुकावट खत्म हो जाए। देखिए कैसी सोच है, पहले बुराई करेंगे फिर तौबा करेंगे और नेक बन जाएंगे। भला क्या ऐसा आदमी जो बुराई इस नियत से करता है बाद में तौबा कर लेगा, क्या उसकी तौबा कबूल होगी? उलमा फरमाते हैं तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला रात के वक्त सदा देता है कि दिन को बुराई करने वाले तौबा कर ले और दिन को आवाज देता है रात को बुराई करने वाले तौबा कर ले। कोई तौबा का दरवाजा बंद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इंसान जितनी बार भी गुनाह करके तौबा करे अल्लाह कबूल करता है। इसलिए अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। ताहम इस बात से डरना चाहिए कि अगर गुनाह करने के बाद तौबा का मौका ही न मिले और मौत आ ले तो क्या होगा। ये बात निहायत ही खौफनाक है कि तौबा का मौका ही न मिले। अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, उनमें से एक ने कहा यूसुफ को कत्ल तो न करो बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए, अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो। यहूदा ने उन्हें कत्ल से रोका और कहा कवासिम के रास्ते में अमूकी नाम का कुआं है, इसे उसमें डाल दो, कोई गुजरता हुआ काफिला इसे उठा ले जाएगा, इससे नजात ही पाना चाहते हो तो ये काम करो। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। अब अपने बाप के पास गए, बाप से उन्होंने जो कहा आयत 11 और 12 में आता है। उन्होंने कहा अब्बा आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते, हम तो इसके खैर खां हैं, कल आप जरूर इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात के जवाब में जो कुछ कहा आयत नंबर 13 और 14 में उसका जिक्र मौजूद है। याकूब ने कहा इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। वहाँ भेड़िये कसरत से थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम डरते थे। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाते हैं, फिर जब उसे ले चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही न होंगे। बाज रिवायात के मुताबिक उन्होंने रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा पीटा, बुरा भला कहा और ऐसा करना उनके लिए मामूली बात थी क्योंकि वो तो कत्ल के दरपे थे।
आखिरकार कुएं के पास पहुंचे और मशवरे के मुताबिक उन्हें कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे, यानी पानी में न गिरे। आप उस पत्थर पर बैठ गए। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तसल्ली दी गई कि आप परेशान न हो, बहुत जल्द आप कुएं से निकलेंगे और उन्हें उनके इस घिनौने फेल के बारे में बतलाएंगे और उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्होंने घर जाने की तैयारी की। आयत नंबर 16 में आता है, और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंचे। इमाम आमश काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे थे। एक औरत आई, उसका एक आदमी से झगड़ा था, वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। आमश बोले, आप देखते नहीं ये किस बुरी तरह रो रही है? उनका मतलब ये था कि ये सच्ची है। काजी शुरह फरमाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को रोते हुए अपने बाप के पास आए थे, बस फैसला रोने पर नहीं इंसाफ पर होना चाहिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बाप को तफसील सुनाई। अल्लाह ताला इसका जिक्र आयत 17 में फरमाते हैं, और कहने लगे कि अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, गो हम बिल्कुल सच्चे ही हों। सो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन इससे झूठ साफ जाहिर हो रहा था, जैसा कि अगली आयत में है। और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने बकरी जबह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उसका खून मल लिया और खून में लतपत कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाने लगे, ये भेड़िया भी कितना रहम दिल था, मेरे बेटे को तो खा लिया और कमीज को कुछ नहीं कहा, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? इस बात का जिक्र आयत 18 में है। बाप ने कहा, यूं नहीं बल्कि तुमने अपने ही दिल से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, आयत 19 में अल्लाह फरमाते हैं, और एक काफिला आया और उन्होंने अपने एक पानी लाने वाले को भेजा, उसने अपना डोल लटका दिया और कहने लगा, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माले तिजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह उससे बाखबर था जो वो कर रहे थे। तफसील इसकी ये है कि एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने पानी की तलाश में एक खादिम को भेजा, वो कुएं तक पहुंचा, उसने कुएं में डोल लटकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। खादिम ने डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा, मारे खुशी के वो पुकार उठा, यहाँ एक लड़का है। उस जमाने में गुलामों और लौंडियों की तिजारत होती थी, उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये लड़का उनसे छिन न जाए। इस खौफ के पेशे नजर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद ये भागा हुआ गुलाम है, अगर इसका मालिक आ गया तो वो उसे ले जाएगा। ये काफिला मदाइन से मिस्र जा रहा था। जब ये मिस्र पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत में फरोख्त कर दिया। मामूली कीमत में फरोख्त करने की जल्दी भी उन्होंने इसी ख्याल के तहत की कि कहीं उसका मालिक ना आ जाए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ 20 दिरहम में बेच दिया और ये निहायत मामूली कीमत थी। आयत नंबर 21 में है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। ये शख्स मिस्र का वजीर खजाना था, बे औलाद था। उसने सोचा, शायद ये लड़का बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, लिहाजा क्यों ना हम इसे बेटा बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना के घर पले बढ़े। वजीर खजाना अजीज मिस्र कहलाता था। अजीज ने आपको बेटों की तरह रखा। आप कुछ बड़े हुए तो शाही महल की देखभाल आपके जिम्मे लगा दी गई। शाही महल के तमाम इख्तियारात आपके सुपुर्द कर दिए गए। अल्लाह ताला आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बे इल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए
तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेक कारों को इसी तरह बदला देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाकीजा और तौहीद वाले माहौल में परवान चढ़े। घर का सारा इंतजाम इन्हीं के हाथ में था। आप बहुत बसीरत और सूझबूझ से घर का निजाम चला रहे थे। अभी अजीजे मिस्र की बीवी ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी कि हिल्म, इल्म और बसीरत की सिफात आप में मौजूद थी। मुफसरीन लिखते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17-18 साल की हुई तो जवानी के साथ उनके हुस्न में मजीद इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। ऐसा लगता था कि दुनिया का निस्फ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हैं कि हुस्न को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा बाकी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर, ये है हुस्न यूसुफ। और जब यूसुफ के हुस्न की कैफियत ये है तो फिर उसके खालिक के क्या कहने। जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनका हुस्न देखा तो बे इख्तियार हो गई। उसके अंदर हैजान पैदा हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी का इरादा कर लिया। उनके साथ लुत्फो इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और फुसलाने के जितने तरीके हो सकते थे वो इख्तियार किए। नाजो नखरे के साथ उससे पेश आने लगी। अल्लाह आयत 23 में फरमाते हैं, उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता है। मतलब ये कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आइए यूसुफ, मैंने ये जेबो जीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घरवाली से बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह नाजो नेमत में रखा। ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। आपने फौरन इनकार कर दिया इसलिए कि आप साहिब इल्म थे, साहिब हिल्म थे, बादशाह के मकाम और मर्तबे को जानने के साथ बुराई के नुकसानात से भी बाखबर थे, खुद साहिब फजल थे और अहले फजल के मकाम और मर्तबे से भी वाकिफ थे। कुरान करीम की आयात आपकी तहारत और पाकीजगी बयान कर रही हैं। आयत 24 में है, उस औरत ने यूसुफ का कस्त किया और यूसुफ उसका कस्त करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके दिल में इस गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह ताला ने आखिर आपको इल्म भी दिया था और हिल्म भी। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे, जानते थे जानी कभी फलाह नहीं पा सकता, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था। जैसा कि सख्त गर्मी और प्यास की हालत में किसी को ठंडे पानी का गिलास मिले तो दिल में पानी पी लेने का ख्याल जरूर आता है, लेकिन फिर याद आता है कि वो रोजे से है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो इतना सा ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बास कहते हैं आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, बास कहते हैं आपने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, वो उन्हें उंगली के इशारे से मना कर रहे थे। बाज ने लिखा है कि आपने दरवाजे पर यह लिखा देखा था, बेशक जिना बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। बहरहाल ये मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अकवाल हैं। इस बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती। इतना है कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जरूर थी जिसकी बिना पर आपको ख्याल तक न आया, और बुरहान अल्लाह ही की तरफ से थी, उसने उन्हें सोचने भी न दिया। अल्लाह आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, इस तरह हमने उन्हें इस बुराई और बेहयाई से बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। अल्लाह ने आपको सिर्फ जिना से नहीं बुराई से भी बचा लिया। ये इस बात की दलील है कि आपने इरादा तक नहीं किया। फिर इसी आयत में अल्लाह ने आपको अपना बरगुजीदा बंदा फरमाया
और ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से भी हो और फिर कुफ्र भी करे, हरगिज मुमकिन नहीं। अंबिया ऐसी बातों से पाक रहते हैं। अजीज मिस्र की बीवी ने इसरार किया, आपको मजबूर किया और लगी चिमटने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे, अजीज की बीवी आपके पीछे भागी। अल्लाह ताला ने आयत 25 में इस वाकये को यूं बयान फरमाया है, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींच कर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे, ये पीछे दौड़ी, दरवाजा बंद था, अभी आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उसने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली, झटका जो लगा तो कमीज पीछे से फट गई, इसी दौरान दरवाजा खुल गया और अजीजे मिस्र अंदर दाखिल हुआ। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि उसकी बीवी जेबो जीनत के साथ बंद संवर कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसी वक्त उसने खुद को इल्जाम से बचाने के लिए कह दिया, जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता है उसका क्या बदला है। फिर खुद ही कहने लगी, इसे कैद खाने में बंद कर देना चाहिए। ऐसा उसने इसलिए कहा कहीं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न कर दे। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फौरन अपना दिफा किया और कहा, मैं मुजरिम नहीं बल्कि ये सारी कारिस्तानी इसकी अपनी है। आयत 26 और 27 में है। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। ये गवाह कौन था? इस बारे में दो किस्म की रिवायत हैं। पहली रिवायत यह है कि वो दूध पीता बच्चा था, उसने कहा कि इस औरत ने बहकाया है और ये अल्लाह का मुजजा था। दूसरी रिवायत यह है कि अजीज मिस्र के साथ उसका चचा जात था, उसने कहा कमीज देखो कहां से फटी है, पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे और आगे से फटी है तो फिर वो सच्ची है, यूसुफ झूठे हैं। आयत नंबर 28 में आता है, सो जब खावन ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। सैयद कुतुब कहते हैं, अजीज मिस्र उन लोगों में से था जिनके नजदीक शरफ की कोई कीमत नहीं थी, अगर उसमें गैरत होती तो उसका खून खौलता, वो औरत पर बरहम होता, लेकिन उसने गुस्से के बगैर कहा। आयत 29 में है, यूसुफ अब इस बात को जाने दो और ऐ औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। इसके अलावा उसने कोई और बात न की, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ही में रहने दिया, जुदा भी न किया, लेकिन फिर ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई, औरतें तरह तरह की बातें करने लगी, लोग अजीज मिस्र की बीवी को ताने देने लगे। आयत 30 में है, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है, उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। ये चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी एक गुलाम के साथ बुराई पर तुल गई, अगर किसी आजाद के साथ ऐसा करती तो मामला और था, गुलाम से मोहब्बत कर बैठी ये तो उसने बेवकूफी की इंतहा कर दी, इस तरह उसे खूब बुरा भला कहा गया। ये खबर अजीज मिस्र की बीवी तक भी पहुंच गई। आयत 31 में है, उसने जब इन औरतों की पुरफरेब मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरत्तब की और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ऐ यूसुफ इनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जुबान से निकल गया कि अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। वजाहत इसकी ये है कि उस औरत ने अपने घर में एक दावत का इंतजाम किया, तमाम औरतों को इस दावत में बुलाया,
दावत का इंतजाम इस तरह किया कि सबके लिए एक तकिया लगाया, फल सामने रखे और हर एक को एक एक छुरी थमा दी। साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मजलिस में आ जाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो वो उन्हें देखकर मबहूत रह गईं। उनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हुई कि अपना होश न रहा और फलों के बजाय अपने हाथ काट डाले, लेकिन इसका उन्हें एहसास तक न हुआ। सुभान अल्लाह, क्या हुस्न था जिसकी वजह से उन्होंने अपने हाथ काट लिए और खबर तक न हुई। कहने लगी, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है, इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आयत 32 में है, उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा। और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ, अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। ये आयत इस बात की वाजह दलील है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई का इरादा नहीं किया था। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि तमाम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ी। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करें और बेहयाई का इर्तिकाब करें। अपनी इज्जत और शरफ को उन्होंने खाक में मिला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरेफ्ता हो गईं। इस कैफियत को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। आयत 33 और 34 में आता है, यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेलखाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका मकरो फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। इससे जाहिर हुआ सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थीं। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक की तरफ तवज्जो न दी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और औरतों की चाल को नाकाम बना दिया। इस वाकये की खबर भी लोगों में फैल गई। अजीज मिस्र की बीवी को पता चल गया कि ये खबरें पूरे शहर में फैल गई हैं और लोग उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। तब वो अपने खावन के पास गई, उससे कहा, अब क्या किया जाए, सब लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने कहा, फिर क्या किया जाए। आखिर आपस में मशवरा हुआ, दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गधे पर सवार किया और एक ढोल वाला साथ कर दिया और ये मनादी कराई कि इस अब्रानी गुलाम ने अपनी मालिका के साथ बुराई की कोशिश की है, लिहाजा इसे इस जुर्म की पादाश में जेल में डाला जाता है। गोया उन्होंने अपने पर से इल्जाम खत्म करने का ये मंसूबा सोचा। इस बारे में अल्लाह आयत 35 में फरमाते हैं, फिर इन तमाम निशानों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैदखाने में रखें। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा सके। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में आ गए। उनके साथ दो नौजवान और कैदखाने में भेजे गए थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो जान गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक सीरत इंसान है, इबादत गुजार नौजवान है। एक रात दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखे। सुबह हुई तो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपना अपना ख्वाब सुनाया। पुराने करीम आयत 36 में इसको यूं बयान करता है, इसके साथ ही दो और जवान भी जेलखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब में चोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। कैदखाने के कैदी भी जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक हैं। आपने सोचा ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने जो कुछ उनसे कहा वो आयत नंबर 37 और 38 में इस तरह आया है, यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं
कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। आपने सबसे पहले अपना तारुफ कराया, इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और उस जमाने के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मारूफ थे, जाने पहचाने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि करीम यानी इज्जतदार कौन है। आपने फरमाया, इज्जतदार इज्जतदार के बेटे, इज्जतदार के पोते और इज्जतदार के पड़पोते, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि चार पुश्तों तक नबूवत की फजीलत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के हिस्से में नहीं आई। ये इज्जत और बुजुर्गी की इंतहा है। आपने अपने दीन का तारुफ कराने के बाद उनसे जो कुछ कहा वो आयत 39 और 40 में आता है। ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या भला कई जुदा जुदा परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घर लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, फरमारवाई सिर्फ अल्लाह ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत न करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई। इसका जिक्र सूरह यूसुफ आयत 41 में है। ऐ मेरे कैदखाने के रफीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे उस काम का फैसला कर दिया गया। ताबीर सुनकर वो कैदी कहने लगे, हमने इस तरह ख्वाब नहीं देखा। जिसके कत्ल की ताबीर बताई गई थी वो तो खास तौर पर कहने लगा, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है, तब्दील नहीं हो सकता। फिर आपने दूसरे कैदी से फरमाया, और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि उन दोनों में से ये छूट जाएगा, उससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैदखाने ही में काटे। फिर इसी तरह हुआ, एक को फांसी पर चढ़ा दिया गया, दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हुआ, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। अल्लाह ताला आयत 42 में फरमाते हैं, शैतान ने उसे भुला दिया। इस आयत की तफसीर बाज मुफसरीन ने ये की है कि शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रब यानी अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दिया और उन्होंने एक बंदे से चाहा कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से उनका तस्करा करके उनकी रिहाई की कोशिश करे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी कि वो कई साल तक जेल में पड़े रहे। ये तफसीर बिल्कुल गलत है। दुरुस्त ये है कि फअनसाहू की जमीर उस शख्स की तरफ लौटती है जिसके मुतालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुमान था कि वो रिहाई पाने वाला है, और इस आयत के माना ये है कि शैतान ने उस शख्स को अपने आका से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भुला दिया, जैसा कि अल्लामा इब्ने कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने इसी तरह कहा है। अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरवी ये रिवायत कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ऐ यूसुफ, तुझे तेरे भाइयों से किसने नजात दी? फरमाया, ऐ अल्लाह, आपने। अल्लाह ने फिर पूछा, यूसुफ, तुझे कुएं से किसने निकाला? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह, आपने। अल्लाह ताला ने फिर पूछा, यूसुफ, तुझे औरतों से किसने बचाया? कहा, अल्लाह, आपने। अब अल्लाह ने फरमाया, फिर अब अल्लाह के सिवा किसी और से नजात क्यों तलब करते हो? ये रिवायत अक्ल और नकल दोनों के खिलाफ है, क्योंकि तकालीफ और मसायब से खलासी के लिए दुनियावी असबाब इख्तियार करना जायज है, जैसा कि सूरतुल माईदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का तआवुन करो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का रिहाई पाने वाले शख्स से अपनी रिहाई के मुतालिक बादशाह से बात करने को कहना इस आयत के ऐन मुताबिक है, और ऐसा करना तवक्कल अल्लाह के खिलाफ नहीं। लिहाजा मस्कूरा बयान करदा रिवायत जिस तरह सनद के एतबार से कमजोर है, इसी तरह मफहूम के एतबार से भी कुरान के खिलाफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में पड़े हैं, किसी को उनकी खबर तक नहीं। ये उनकी एक और आजमाइश थी, किसी को खबर हो तो निकाले।
आखिर कुछ मुद्दत बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि सात मोटी ताजी फरबा गायें हैं, जिनको सात दुबली पतली लागर गायें खा रही हैं, और सात बालियां हैं हरी हरी और दूसरी सात बिल्कुल खुश। इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। उसने कहा, ऐ दरबारियो, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं, और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। जब वो ख्वाब की ताबीर न बता सके, तब उस साकी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। वो चौंक उठा। उन दो कैदियों में से जो रिहा हुआ था, उसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कैद खाना शहर से बाहर था, उन्होंने उसे उधर रवाना कर दिया। वो जेल पहुंचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और बोला, ऐ यूसुफ, ऐ बहुत बड़े सच्चे, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि सात मोटी ताजी गायें हैं, जिन्हें सात दुबली पतली गायें खा रही हैं, और सात बिल्कुल सब्ज खोशे हैं, और साथ ही दूसरे बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूं, ताकि वो सब जान लें। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम सात साल तक पै दर पै लगातार हस्ब आदत गल्ला बोया करना, और फसल काट कर उसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मकदार के। इसके बाद सात साल निहायत सख्त कहत के आएंगे, वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था, सिवाय उस थोड़े से गल्ले के जो तुम महफूज करके रखोगे। आपने सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताई, बल्कि इलाज भी बताया। इसके बाद एक और बात भी बताई। इसके बाद जो साल आएगा, उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी, और वो उसमें शीरे अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। साकी बहुत तेजी से वापस गया, बादशाह को पूरी तफसील बताई। तब बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। बादशाह का कासिद वापस आया और आपसे कहा, बादशाह आपको बुला रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कैद खाने से नहीं निकलूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्होंने किस हद तक सब्र किया। उनकी जगह मैं होता और मुझे कैद खाने से निकलने के लिए कहा जाता, तो मैं फौरन बाहर निकल जाता। सात साल तक कैद में रहने के बाद अगर कोई कैदी से बाहर निकलने के लिए कहे और वो बाहर निकलने से इनकार कर दे, तो ये बात अजीब ही लग सकती थी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हर तरह से बरी होकर निकलना चाहते थे, चुनाचे आपने कहा। यूसुफ ने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। कासिद वापस आया, उसने बादशाह को यूसुफ का जवाब सुनाया। अब बादशाह ने उन औरतों को जमा किया और कहा। बादशाह ने पूछा, ऐ औरतों, उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि माज अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज मिस्र की बीवी भी बोल उठी कि अब तो हक सच वाजे हो गया है, मैंने ही उसे बरगलाया था उसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। मैं अपने नफ्स की पाकीजगी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बाज मुफस्सरीन के नजदीक ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है, और ये उन्होंने उस वक्त कहा जब जेल में उनको ये सारी तफसील बतलाई गई, या बाज के बकौल बादशाह के पास जाकर उन्होंने ये कहा। बाज मुफस्सरीन के नजदीक ये भी अजीज मिस्र की बीवी ही का कौल है, और मतलब ये है कि यूसुफ की गैर मौजूदगी में भी उसे गलत तौर पर तोहमत लगाकर खयानत का इर्तिकाब नहीं करती, बल्कि अमानत के तकाजों को सामने रखते हुए अपनी गलती का एतराफ करती हूँ। या ये मतलब है कि मैंने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वाकया ये है कि अपने खावन की खयानत नहीं की और किसी बड़े गुनाह में वाकई नहीं हुई।
حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و معانی کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور موضوع قرار دیا ہے۔ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام بولے، یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کو اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا یوسف میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے۔ اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر اس طرح 7 سال ختم ہو گئے اور قحط کے سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے، فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے، بلکہ ان کے علاقے میں قحط شدید ہو گیا، تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے، چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے، لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا، اس سے زیادہ نہ دیتے تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگا نہ بیچے۔ اس لیے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں، انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم جاسوس لگتے ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے، تم کتنے بھائی ہو، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی، انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ آپ نے ان سے کہا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں۔ آپ نے ان سے یہ بھی کہا، بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں، انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں، اس لیے ان کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا، جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔
यानी उन्होंने कहा कि आइंदा हमें गल्ला इसी सूरत में मिलेगा जब हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ ले जाएंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याकूब ने कहा कि मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था, बस अल्लाह ही बेहतरीन हाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मतलब ये कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने अपना सामान खोला तो क्या देखा? जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया जो उनकी जानिब लौटा दिया गया था। कहने लगे, ऐ हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए, देखिए तो ये हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया गया है। हम अपने खानदान को गल्ला ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट का पैमाना ज्यादा लाएंगे, ये नाप तो बहुत आसान है। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने ये मामला देखा और उनका इसरार बढ़ा तो सोच में पड़ गए कि मामला कुछ और मालूम होता है। बस उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि साथ भेज दीजिए। याकूब ने कहा, मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौलो करार न दो कि तुम इसे मेरे पास पहुंचाओगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौलो करार दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। उन्होंने मजीद नसीहत की और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से न जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। मतलब ये था कि तुम 11 नौजवान हो, तुम्हें देखकर कोई हसद न कर बैठे, तुम्हें नजर न लग जाए, और नजर का लग जाना बरहक है और ये बसा औकात इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। अब ये रवाना हुए। जब वो उन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था गए, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे उन्हें जरा भी बचा ले। मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे उसने पूरा कर लिया। बिला शुभा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मतलब ये कि इंसान की कोशिश के बावजूद तकदीर अपना काम दिखा जाती है। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो फरमाया कि उसके पास हमारा दिया हुआ इल्म था, इसका मतलब ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो भी बात करते थे उसमें अल्लाह का जिक्र होता और गौर व फिक्र के बाद बात करते, पहले अल्लाह का नाम लेते और यही उनका इल्म था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गए और दरबार में हाजिर हुए। आपने मामूल के मुताबिक उनकी रिहाइश का इंतजाम किया, हर दो को एक कमरा दिया। इस तरह बिन्यामीन अकेले बच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो इसे इधर मेरे पास छोड़ जाओ। जब वो चले गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले से लगा लिया। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते रहे इसका कुछ रंज न कर। मतलब ये कि वो बिन्यामीन को भी सताते रहे। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इसका जिक्र सूरह यूसुफ आयत 70-77 में सुनिए। फिर जब उन्हें उनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा कि ऐ काफिले वालो, तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है। जवाब दिया कि शाही प्याला गुम है, जो उसे ले आए उसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और न हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो। जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही उसका बदला है, हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने उनके सामान की तलाशी शुरू की अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले।
फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की। उस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को नहीं रोक सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहे दरजे बुलंद कर दें, हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया। कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अब वो बादशाह यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नत समाजत करने लगे। उन्होंने कहा कि ए अजीज़े मिस्र, इसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ ने कहा कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जब वो उससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौल करार लिया है और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से न टलूंगा जब तक के वालिद साहेब खुद मुझे इजाजत न दें या अल्लाह मेरे इस मामले का फैसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहेब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहिबजादे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे। हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले न थे। आप उस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहां हम थे और उस काफिले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा, ये तो नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली। बस अब सब्र ही बेहतर है, करीब है कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ही पहुंचा दे, वो ही इल्म और हिकमत वाला है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे। फिर उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। उनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफेद हो चुकी थीं और वो गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे, यहां तक कि घुल जाएं या खत्म ही हो जाएं। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूं, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ की और उसके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, यकीनन रब की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। अब उनके पास गल्ला खरीदने के लिए सामान तिजारत बहुत कम था। वो थोड़ा सा सामान लेकर फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो कहने लगे कि ए अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह खैरात करने वालों को बदला देता है। अब बिरादराने यूसुफ उनके सामने रुसवाई के दर्जे तक पहुंच गए। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज्यादा परेशान करना मुनासिब न समझा और अपना मुकम्मल तारुफ करवा दिया। यूसुफ ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है। जवाब दिया कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह किसी नेकोकार का अज्र जाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। वो कमीज लेकर याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ चल दिए। जूं ही मिस्र से चले, याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशबू महसूस कर ली। जब ये काफिला जुदा हुआ
तो उनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बेवकूफ न कहो। वो कहने लगे कि वल्लाह आप अपने उसी पुराने खप में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर उनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए। कहा, क्या मैं तुमसे न कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबानी करने वाला है। फिर सारा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमनो अमान के साथ मिस्र में आओ। और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा कि अब्बा जी ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया। इस इख्तिलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्मो हिकमत वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे कुछ हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में